आज हिंदू धर्म में चैत्र के महीने की ये सिंधारा दूज है। आज नवरात्रे की चैत्री नवरात्रे में जो दूज होती है इसको सिंधारा दूज कहते हैं। कौन सी दूज कहते हैं जम के बोलिए? सिंधारा दूज। क्यों सिंधारा दूज कहते हैं? सिंधारा दूज का मतलब क्या है? क्यों हिंदू धर्म में सिंधारा दूज मनाई जाती है? किस लिए? आज पूरे भारत की भूमि पर कई माताएं हाथ में मेहंदियां लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, सुंदर चुनरी पहनती हैं, माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करती हैं, माता का आराधना करती हैं। सिंधारा दूज, उसका कारण केवल इतना सा है, सिंधारा दूज का मतलब यह होता है कि चंचुला देवी जब 14 दिन तक शंकर और पार्वती अपने गुफा में से बाहर नहीं निकले शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए, तब माता चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर माँ जगतजननी जगदम्बा को सुंदर वस्त्र, सुंदर चूड़ियां, सुंदर आभूषण माता के चरणों में ले जाकर समर्पित करे थे और कहा, माँ इन चूड़ियों को जो मैं दे रही हूँ, ये लाल चूड़ी, ये लाल श्रृंगार, ये लाल वस्त्र, जो लाल चूनर जो मैं प्रदान कर रही हूँ, माँ बस ऐसी कृपा कर दे कि तू इन चूनर को धारण करे और मेरा भी सौभाग्य, मेरा भी सुहाग अमर कर दे, बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दे। वो सिंधारा दूज का महत्व है, वो सिंधारा दूज का। आज भारत की भूमि की सभी माताओं को सिंधारा दूज का बहुत बहुत बधाई। माता पार्वती, गणगौर महारानी, ब्रह्मचारिणी महारानी, माँ जगत जननी, आपके सुहाग को अखंड सौभाग्यवती बनाए, यही भगवान से प्रार्थना। हे माँ, हे दया करने आप कृपा कर। ओड़े चुनरिया लाल, ओड़े चुनरिया लाल, जाऊं इस दुनिया से माँ।